और वो इमरजेंसी में क्यों है? सर अब वो बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर्स ने कहा है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं। हाँ बस थोड़ी सी जाहिरी चोटें आई। चोटें? कैसी चोटें? क्या खून वगैरह भी निकला है? और वो हॉस्पिटल आई कैसे? तुम वजाहत हो ना? जी मैं वजाहत। बेटा जितनी जल्दी हो सके तुम यहाँ से चले जाओ। क्यों? मेरा बेटा निमरा का शौहर भी यहीं पे है, अगर उसे पता चल गया कि निमरा तुम्हारे दफ्तर में काम करती है तो अच्छा नहीं होगा। अगर मेरे बेटे को पता चल जाएगा तो मेरी बहू का आस्था बस्ता घर उजड़ जाएगा। अरे आज साहब बहुत ज्यादा तकल्लुफ कर लिया आपने, इतना सब कुछ लाने की क्या जरूरत थी? बस आप खुद आ जाते, मिल बैठ के नाश्ता कर लेते, अच्छा टाइम गुजर जाता। आवाज साहब एक ही तो बेटी है हमारी, अब ये सारी रस्में पूरी ना करें तो क्या फायदा हमारी कमाई का? ये भी बिल्कुल ठीक कहा आपने। सदफ और फिरोज अभी तक नहीं आए। बस आते होंगे, लइए आ गए। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? ठीक है। कैसे बेटा? क्या हुआ बेटा? उदास हो गई हो? उदास नहीं होते बेटा, देखो यहाँ पे अम्मी है, अब्बू है और सबसे बढ़कर फिरोज जैसा मोहब्बत करने वाला जिंदगी का साथी है। चलिए मैं आप लोगों के लिए नाश्ता लगवाती हूँ। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही, और शादी के बाद तो और प्यारी हो गई। हाँ ये तो आंटी आपने बिल्कुल ठीक है, आखिर बेटी किसकी है, आप भी तो माशाल्लाह इतनी खूबसूरत है। बस बस छोटी तारीफें मत करो आंटी की। वो नहीं घर जाके मुझे जतलाएंगी कि देखें मेरे दामाद ने मेरी कितनी तारीफ की, पर आप तो मेरी तारीफ करते ही नहीं है। आप भी ना कभी कभी ऐसा मजाक करते हैं कि दूसरों को लाजवाब कर देते हैं। आइए नाश्ता लग गया, चल के नाश्ता करते हैं। अब ले हाजी साहब आइए प्लीज, आइए आइए। अच्छा फिर तक अच्छा, बहुत शुक्रिया। प्लीज चलो अभी बच्चों आ जाओ आप लोग। रुको, क्या साबित करना चाह रही हो तुम? क्या तुम इस घर में खुश नहीं हो? नहीं मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। मेरी क्या शक्ल बनाई हुई है तुमने? ऐसी होती है नहीं शादी होता तुम्हें भी शक्ल? स्माइल करो, स्माइल स्माइल, शाबाश स्माइल। और हाँ चलो लेट्स गो, चलो। क्या हुआ है, गाड़ी क्यों बंद हो गई है? मैडम गाड़ी खराब हो गई है, देखता हूँ। फोन कहाँ है मेरा? चलो फोन भी घर छोड़ा है। क्या हुआ है? ज्यादा मसला है? जी मिस निमरा,
क्या हुआ गुलाम मोहम्मद? सर इंजन में कोई प्रॉब्लम आ गई। वर्कशॉप कॉल किया आपने? वर्कशॉप कॉल करके बुलाना पड़ेगा किसी को। मिस निमरा आप मेरे साथ आ जाइए, मैं ऑफिस ही जा रहा था। ठीक है सर। प्लीज। निमरा अगर आपकी गाड़ी खराब हो गई थी तो आप मुझे कॉल कर लेती, आप क्यों बिना वजह परेशान हो रही थी? नहीं सर वो मेरा फोन घर रह गया आज। आप कहती हैं तो हम आपके घर से जाकर फोन पिक कर लेते हैं। नहीं नहीं उसकी जरूरत नहीं है, I'll manage, it's okay. Are you sure? जी जी। मिस निमरा मैं आज ज्यादा देर ऑफिस नहीं रुकूंगा, मैं सिर्फ अपने शादी के कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करने आ रहा हूँ। आपका कार्ड भी मैंने मिज़ोया के पास रखवा दिया। आपको बहुत बहुत मुबारक हो सर, आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। माशाल्लाह। ऐसे नहीं चलेगा, आपको मेरी शादी पर आकर मुझे मुबारकबाद देनी पड़ेगी। इंशाल्लाह जरूर। बैठो बेटा। क्या बात है सतीश बेटा, मुझे तुम्हारे चेहरे पे खुशी नजर नहीं आ रही। देखो बेटा अब से यही तुम्हारा घर है, भूल जाओ सब कुछ, अपने कल को राशिद को अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो, दिल लगाओ अपने घर में और सबके दिल में अपनी जगह बनाओ।